जय श्री राम। गुड मॉर्निंग, मेरी हो गई थी छुट्टी तो मैं आ गया था घर, और कल मैंने ऑटो वाले के साथ प्रैंक किया, आपने देखा होगा, कमेंट करना, जिसने नहीं देखा वो देखो, और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करो। आज मैं कुछ और पिछले वीडियो में व्लॉग में देखा होगा, आपकी व्लॉगर बोल रही थी कि मेरे साथ प्रैंक करने की हिम्मत नहीं है इसकी, तो आज मैं कुछ उसके साथ प्रैंक करूँगा, ठीक है, हमेशा प्रैंक करूँगा। सही, उसको भी अजीब लगे। बेफालतू में काम बता देंगे आज उसका, और फिर मारूंगा उस पर डांट। अभी वो ना क्या आएगी, और तब तक मैं आपको दिखाता हूँ जैसे सुननी होगी इसकी। ये फेंक दुआ यहाँ पर मेड पे फेंक दी, एक और है ये और यहाँ पे फेंक दी, और अभी इसके पेपर हो गए खत्म, तो ये बुक्स ये नोट्स थे। यहाँ पर रख देता हूँ कुछ तो, और ये वाले कुछ यहाँ पे, काम तो बहुत करती है लेकिन अब डांट मारूंगा इस पे कि कुछ करती नहीं है यार वो है। एक बुक यहाँ पे पहन देता हूँ, तो मेरा फोन बजा, क्या करूँ मेरे दोस्त का फोन आया, उसको पता था मैं छुट्टी आया हूँ, तो वह किसी तीसरे दोस्त के पास बोला चले देखते थे देर में, पहले एक बार इसको सुना ले, तो मैं करूँगा कैमरा सेट जब वो आएगी, और एक उसका बैग है कॉलेज का वो पड़ा है देखो वहाँ पे, उसके ऊपर एक बैग रखा है उसके लिए भी बोलूँगा, और एक जो बोतल थी मेरी पानी वाली वो भी दिख रही होगी आपको, ये रखी है इधर रख दी, इसके लिए भी मतलब बढ़िया बढ़िया सुनाऊंगा आज इसने मैं ये तेरा बटन क्यों प्राइम, और मैं कैमरा रख दूंगा सेट करके, ठीक है, रात ही कहूँगा क्या है ये सब, तो आप देखना अभी मैं कैमरा सेट कर रहा हूँ, ठीक है। गाइस जब वो आ रही है और आप देखना कैसे मैं उसको उसके साथ प्रैंक करता हूँ, दो दिन हो चुके
मैं क्या सोच रही हूँ कल से ना जाड़ों को जाना तो नहीं करी
बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो एक काम तो एक काम कर दिया, काम तो करने तो नहीं आएगी, काम तो और किसी दार मुझे करना पड़ेगा। चुप बोले, दिमाग खराब करने की। फोन करना पड़ेगा। साइड हो जा, थक गई मैं, काम नहीं करती, बकवास कर रहा हूँ। मम्मी इसको चुप करा लो, मेरा दिमाग खराब कर रहा है सच में। कल दे और फोन करता है, काम नहीं तो बता दे, मैं नहीं करती तो बोल दे। मैंने तो रोटी भी नहीं खाई है अभी तक, और इसके लग रहा काम 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 काम, कोई काम रह रहा तो कर ले, रोका किसी ने तुमको? मैं तो बाल पाए हैं और लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई है, मांग भरी है, इतना ही खाया मैंने तो। पहले क्या कर रही थी, नहाई थी, नहाने से पहले कुछ नहीं कर रही थी। तो ये देखो ना, ये क्या कर रहा है, मैं काम ही नहीं करती। किताब की तो उन्होंने बगा रखी हुई, कुछ काम करके देख ले। सवेरे से मम्मी किया क्या है, इतनी लेट तो उठा, नहाया, पूजा करी, बस तो चुप तो रह ले आदमी। शाम तो कोई ना खिंडा रखा, शाम खिंडे वो देखे नहीं है, ठीक है नहीं बड़ा देख लिया जी वो देखना रहे मलाई तो इनकी जरूरत नहीं है मेरे को बकवास क्यों मैं तो ये नोट्स से पढ़े हैं तो ले मैं उठा दूँ बाहर क्या कुछ यहाँ पे हाँ बाहर आ गया बस दरिम लड़ बैग इधर आप दे ना काम के तो उनके दे दे इसे दे दे तो पढ़ लेगा तेरे को ये पेपर है काम दे तो हमने संभाल के कर तो अपना काम करा इसे मुझे मेरा दिमाग खराब हो गया। मम्मी इसके और जेब खोल से ढीले हो गए हैं, इसे डॉक्टर को दिखाओ। ऐसे ही से नहीं, क्या करें, थोड़ा तो बस एक बार तो हुई थी, बाद में फिर कोई बात ही नहीं बनी। देखते हैं और कुछ प्रैंक सोचते हैं, अब मैं बताऊंगा इसको कि प्रैंक कर रहा था मैं तो, और कुछ बढ़िया वाला सोचना पड़ेगा। अभी कमेंट करके बताएं क्या प्रैंक करूं। ठीक है भाई, खाना खा लेते हैं, हम सुबह से खाना ही नहीं खा रहे। ये देखो मेरे पति ने आज मुझे इतना परेशान किया, इतनी डांट मारी हैं, बाकी अभी सो के ही उठे हैं। फिर भी मैंने इनके लिए मैगी बनाई है क्योंकि इनको लग रहा था जुकाम। फिर मैंने इसके अंदर देखो हरी मिर्च दिख रही होंगी, ये हरी मिर्च डाल के मैगी बनाई ताकि थोड़ा बहुत ठीक हो जाए। और मैं खाऊंगी तरबूज और ये भी खाऊंगी थोड़ी थोड़ी सी। तो
गाइस अब हो चुका है टाइम सोने का। और गाइस अगर आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। विशाल जी ने आज एक बहुत ही बड़ा प्रैंक करने की सोची थी, पर मेरा आज मूड ऐसा कुछ खास था नहीं कि मैं उन पर गुस्सा करूँ, क्योंकि मेरा यूँ था कि हाँ ठीक है अब ये ऐसे टांग खींचते रहते हैं, मेरे लिए नॉर्मल था, आप लोगों के लिए शायद ये नया हो। मैं चाहे कितना भी काम करने को लगता है क्या ये तो कोई भी कर दे, ये तो कोई भी कर दे, ये तो कोई भी कर दे, हमेशा इनका यही है। पर मैंने कुछ ज़्यादा खास रिएक्शन नहीं दिए। फिर उन्होंने मुझे बाद में बताया कि मैं तो प्रैंक कर रहा था, ये वो, फिर सारी कहानी समझाई मुझे कि मैंने ऐसे ऐसे किया। फिर मैंने सारी वीडियोज़ चेक करी तो मुझे बाद में ऐसी आई कि मैं देख क्या क्या कर रही थी, कैसे बालों पे ही सारा फोकस था मेरा, कहीं मैंने कैमरा, क्योंकि मैं तो नॉर्मल दिमाग से आई थी और उसके बाद मैं मम्मी से चला चला के बात कर रही। प्रैंक था तो सही, सोच समझ किया, पर जितना गुस्सा आना चाहिए था मुझे उतना गुस्सा आ नहीं पाया। तो चलो अच्छा किया मेरे पति ने प्रैंक करने की सोची और व्लॉग बनाने की सोची। चलो गाइस इसी बात पे एक लाइक कर देना कि इन्होंने मेरा साथ दिया व्लॉगिंग में। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पेंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय, गुड नाइट।